हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम बहुत थक गए। आज सुबह 6 बजे से हम उठ गए थे। हाँ, उठ गए थे। रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोडिंग हुई है और उसके बाद में अब आज हम निकल रहे हैं उज्जैन के उज्जैन। लिए। उज्जैन महाकालेश्वर शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फटाफट यहीं से निकल जाएंगे। रास्ते में कुछ वापस जाएंगे, शायद बंगलों में एक दो चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ से उठा लेंगे। अगर समय मिला जरूर जाएंगे, अन्यथा सीधे 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 कहाँ बिट्टू? उज्जैन महाकालेश्वर हर्ष भाई, जी महागौरेश्वर, अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रही है? बहुत हमने ज़्यादा मिठाई भी रख ली एक्साइटिंग है है। हाँ, रास्ते में खाने हर्ष के हर्ष लिए। मिठाई खाने का बहुत शौकीन है। तो ये क्या रात को ही मिठाई का बर्फी का डिब्बा लेकर के आया है? इसको बर्फी, काजू कतरी, मिठाइयाँ बहुत पसंद है। हम चारों में मिठाई सिर्फ यही खाता है। तो हमने पैकिंग दुआ भी कर ली करें है। हमारी जर्नी अच्छे से हो जाए। हाँ, पैकिंग शैकिंग सब हो गई है, सभी की अलग अलग पैकिंग कर ली है सबसे चारों ज्यादा लोगों पैकिंग इसने की। की है, हाँ, दो सूटकेस भर के। हाँ, चलो फिर निकलते हैं। लेट्स गो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री अभी हमारा कृष्णा। नाश्ता आ चुका है समोसे, और नाश्ता करके हम देखते हैं निकलेंगे। कहाँ। गाइस, अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। पैकिंग सारी हो चुकी है और मेरा मिठाई का डब्बा भी है जिसे मैं लेके जाऊंगा रास्ते में खाने के लिए। चलते हैं, लेट्स गो। गाइस, तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब हम निकलेंगे उज्जैन के लिए। तो अच्छी चलते विश हैं, करें। हाँ, चलते हैं। हमको गुड लक विश करियो। लेट्स गो। गो, अरे गो, विशेस गुड लक, लेट्स गो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पेट्रोल फुल करवाएंगे गाड़ी में, उसके बाद आगे निकलेंगे। गाँव है ये। रास्ते में हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। यहाँ चाय वाय पियेंगे थोड़ी। गाँव में यहाँ चूल्हे पर चाय बनती है, पियेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा दृश्य है। छोटे छोटे बकरी के बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये अस्त व्यस्त आत्मा ये अभी अभी उठाया गया है। दोस्तों, ये थोड़ी सी ओपन जगह है, थोड़ा खुला खुला है, चारों तरफ खेत है। कुछ छोटा सा ढाबा टाइप है। तो ढाबा तो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, पर थोड़ी तबीयत 19-20 हो गई है, तो यहीं पर हम कुछ चाय वाय लिमका शिमका लेंगे। हम भी इसमें से पार्टनरशिप करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। थोड़ी देर मतलब यहाँ पर बैठेंगे, फिर हम लेंगे चाय वगैरह और उसके बहुत बाद यहाँ से दूर से निकलेंगे। आए हैं, हवा काफी ज्यादा बढ़िया चल बड़ी रही है दूर से यहाँ आए पर। हैं, ऐसा बोलो, बड़े दूर से आए हैं, बैठ कर के लिमका पी रहे हैं। और जो हमारे ड्राइवर हैं वो अपना भोजन ढूंढने के लिए गए हैं। यहाँ कहीं पर भी बड़ी होटल्स दिखाई नहीं दे रही है। हम MP बॉर्डर के अंदर आ गए हैं, लिमका ले रहे हैं, इसके बाद में थोड़ा जीरू लेंगे, फिर देखेंगे चाय लेंगे।
पीछे एक सॉन्ग बज रहा है, अगर वो आ रहा होगा तो हमें म्यूट करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं आएगा यार। वैसे मैं स्प्राइट प्रेफर करती हूँ, पर लिम्का भी बहुत अच्छा है। ऑब्सेशन पकौड़ी के साथ, तो हमने यहाँ पर भी हमारे लिए एक ही लारी ढूंढी ली थी, हमने यहाँ पर खाई है। और ये रहे मम्मा खा कर के अभी अभी अंदर बैठे, बहुत तिखी तिखी थी। इसने भी खा ली है, मैंने भी खा ली है। हमारा ऑब्सेशन इतना है पकौड़ी के साथ के बात ना पूछो। बट चलो इट्स ओके, अभी हम मतलब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है उज्जैन के, कुछ देर में पहुँच जाएंगे, तो तब तक बने रहे, लेट्स गो। पापा के साथ का एक इंटरव्यू। एक डिश आलू टिक्की बनवाई है, यहाँ की आलू टिक्की करें कैसी होती है? ये है आलू टिक्की, पापा लेकर के आए, मामा भी खा रहे हैं। कैसी है पापा आलू टिक्की? मस्त पापा, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। इसने भी थोड़ी खा ली है, बहुत मस्त है। उज्जैन में एंटर हो जाएंगे। रात 7:06 हुई है और हम कुछ ही दूरी पर रह गए हैं, शायद आधे घंटे बाद हम उज्जैन में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद में फिर से आपको दिखाती हूँ कि रात को कैसी लगती है उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी। अब हम प्रवेश कर गए हैं उज्जैन नगरी में, बोर्ड आ गया है, उज्जैन नगरी स्वागत कर रही है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं उज्जैन में और दुनिया में जहाँ भी है, सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ये है उज्जैन, उज्जैन का ये रोड। अब हम कंप्लीट उज्जैन के अंदर हैं, लेकिन अब रात हो गई है, तो अब पहले हम होटल देखेंगे, रात को होटल में स्टे करेंगे, सुबह स्नान वगैरह करने के बाद फिर हम मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो ये है उज्जैन नगरी, कंप्लीट हम उज्जैन नगरी के अंदर हैं। राम घाट है यहाँ पर। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे अपने होटल को सर्च करेंगे। कुछ ये है होटल जिसके अंदर हम रुके हैं। और ये
होटल के अंदर जाने का रास्ता, और ये होटल का गार्डन है, इसके अंदर भी हम आराम से घूम सकते हैं पर अभी नहीं। तो ये हमारा रूम है गाइस, ये हम आ चुके हैं हमारे रूम में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे होटल के रूम के अंदर। फिलहाल तो मैं मम्मा पापा के रूम में हूँ, यहाँ का बेड थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है। चलो कोई नहीं, हम इस रूम में करंटली मतलब चलो पहले आपके मतलब शीशे देखते हैं, बिकॉज मुझे मिरर सेल्फी का बहुत ज्यादा शौक है। ये यहाँ का शीशा है, हाय शीशे, ये हमारा शीशा है। नीचे की सारी ड्रेसिंग, ओह दिस इज माय आउटफिट विद द शूज, यू कैन सी दिस। ठीक है, अब ये जो है कबाड़ है यहाँ के। ठीक है, अब ये जो है इंसान है यहाँ पे जो बाथरूम से निकला है, ये जो है हमारा बाथरूम है। ठीक है, ये हमारा बाथरूम है, अपने एग्जॉस्टिंग फैन है, दैट्स व्हाई मैं अंदर आ पा रही हूँ। उन्होंने सुना कि क्या है, पार करिए चलो भाई। जो है ये हमारी वॉशरूम ही है, ये सामने जो है हमारा यहाँ पर मिरर है, ये सारे यहाँ के प्रोवाइडेड स्टफ्स, ये यहाँ पर जो शावर का है, मतलब यहाँ पर हम शावर ले सकते हैं, इस प्लेस टू शावर। ये प्रोवाइड किया गया है, सब जगह प्रोवाइडेड है, जितने होटल में तो रुका है अब तक। ठीक है, हुए हैं अभी। हाय मम्मा, हाय पापा, हम पहुँच गए होटल में। मम्मा बहुत एग्जॉस्टेड भी हैं, पापा भी बहुत एग्जॉस्टेड है सिवाय मेरे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैक, एक्चुअली मुझे ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ब्लैक है, पर मुझे तो यहाँ रुकना नहीं है। मेरा रूम नंबर, यानी ये मेरे रूम की की है, अभी हमारा भी रूम देखने चलते हैं। और उससे पहले मुझे ये रूम बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ज़्यादा, क्या बता दूँ मैं। गाइस ये हमारी लॉबी है, यहाँ से हम ये चले 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 चले, ये रहा हमारा रूम नंबर, दिस इज़ आर रूम। हम जाएंगे अंदर, भाई भाई लॉक खोलने दो भाई। इंसर्ट द कॉर्ड, हो गया इंसर्ट कॉर्ड, इसको बंद कर दो। ये यहाँ का हमारा मिरर है, हे मिरर 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 मिरर, इसे कहते हैं मिरर 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 मिरर। ये यहाँ का बाथरूम है हमारे लिए प्रोवाइडेड, यहाँ पर भी ये मिरर है, मिरर 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 मिरर, यहाँ की वॉश बेसिन है। ठीक है, कैन यू डू समथिंग फॉर मी। और यहाँ पे फोल्डिंग में फोल्डिंग टेबल भी है, कुछ तो है ये, पता नहीं पर कुछ तो है ये। जरा रुक जा, ये यहाँ का शावर है। ठीक है, इस शावर को हम बंद करते हैं कुछ इस तरीके से। वेल मुझे कोई सेफ्टी नहीं लगती, वो कोई नहीं, ये यहाँ का शावर है। आपको हमको कुछ दिखाएंगे, ये यहाँ पे एक फोल्डेबल टेबल है। हाँ ये तो, यही तो मैं बोल रही थी कि हमारे यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और दूसरी बात, हाँ। हमारा ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मम्मी पापा के रूम से जो है केवल पड़ोस से घर दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे रूम से जो है नहीं खुल गया, छोड़ो पूरा बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्राइवेसी के लिए यहाँ पर हमको भी पानी प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब हमारे पास भी सब कुछ है। और ये हमारा बेड है, और वो हमारे एसी का रिमोट है, ये हमारा डस्टबिन है, हसबैंड ये हमारा डस्टबिन, और ये हमारे लिए कबाट है यहाँ पर। और यहाँ पे ये क्यों बनाया गया मुझे नहीं पता, ये इसमें सब सामान हमारे रखते हैं, शो के लिए होते हैं ना फर्नीचर टाइप। नहीं, और ये कोई जात का कनेक्शन नहीं किया मुझे, ये हमारे चाय वाय बनाने की चीजें हैं। और यहाँ पर भी ब्लैक कप है, पर बस एक लड़ाई का पहला कारण मिल चुका है। इन्होंने दो चमची प्रोवाइड किए हैं, पर कप एक ही प्रोवाइड किया है, कोई बात नहीं, नो रोस्टिंग। इधर हमको ये मिल रही है ग्रीन टी इंक्लूडिंग शुगर, पर दूध का पाउडर कोई उठा के ले जा चुका है। दूध का पाउडर हम दिखा रहे हैं ना, हम दिखा रहे, ये दूध का पाउडर भी है यहाँ पर, मिल्क पाउडर। फिलहाल ले रहे हैं हम चाय, कुछ हम लोग जा रहे हैं नीचे पापा के साथ। ये रहा मैं चला चुका है,
हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर। कॉलम 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 कॉलम। फिलहाल हमारे मनु अंकल यहाँ पर नहीं है, यूजुअली वो हमें या तो वहाँ बैठे मिलते हैं या तो वहाँ बैठे मिलते, बिकॉज वो जल्दी रूम में नहीं आते हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं बाहर का है अंकल। अंकल हमको गाड़ी में मिल गए हैं। तो फिलहाल मैं, पापा और मनु अंकल निकले हुए हैं बाहर वॉकिंग के लिए। ये रही हमारी होटल, वो रही हमारी गाड़ी, हम जा रहे हैं वॉकिंग पे। हाय तोते, हाय तोते। हमने बाहर घूम फिर लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस हमारे होटल की तरफ। तो लेट्स गो, वापस आ चुके हैं हमारे होटल की तरफ। अब हम जा रहे हैं ऊपर, हम लोग आ चुके हैं वापस हमारे होटल के अंदर। अब हम जा रहे हैं रूम में, बने रहे। अब जो है हमारा डिनर हो रहा है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे हो गए थे और खाना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, खास करके दाल। ये दाल का फैन है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या तो अंकल से भी ले सकते इस बात में आपका बढ़िया। तो अब थोड़ा खा लें, उसके बाद बात करते हैं, तब तक के लिए क्या। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और ये रहा उज्जैन का रात का सीन जो हमारी होटल प्रेसिडेंट से दिखाई दे रहा है। अब हम डिनर करके जो है बैठ गए और अब हम सोने वाले हैं। हर्ष और बिट्टू अपने कमरे में जाएंगे, हाँ, सोने के लिए। बिट्टू ने शायद अपना कमरा आपको दिखा दिया है ना, कैसा लगा? इसी होटल में मुझे दूसरा कमरा बिट्टू के लिए रखा है। बिट्टू हर्ष ये अपने कमरे में जाएंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा। तो कल सुबह सुबह उठ करके हम चलेंगे महाकालेश्वर के दर्शन करने, काल भैरव के दर्शन करने, गढ़कालिका के दर्शन करेंगे। जितनी भी जगह घूम पाएंगे जरूर घूमेंगे और कल का व्लॉग बिल्कुल मस्त फर्स्ट क्लास बनाएंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दे, आज का भी फर्स्ट क्लास ही बना था। तो तब तक के लिए आप भी रेस्ट करो, हम भी रेस्ट करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। और जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें। और मेरे अमुक फैंस जो मैंने नोटिस किए हैं, मेरे 3 हैं, बहुत सगे हैं मेरे वो बहुत सगे हैं वो, जल्दी आए देख रहे हैं हमारे इस ब्लॉग को। तो तब तक के लिए बाय। क्या बाय बाय, क्या बाय बाय, क्या गुड नाइट, कोई बाय बाय गुड नाइट नहीं, बाय बाय।